स्टूडेंट आज हम चैप्टर टेन का एक्सरसाइज थ्री देखेंगे एक्सरसाइज थ्री का फर्स्ट फर्स्ट है ऐड द फॉलोइंग टाइम मीन्स क्या बोल रहे हैं ऐड बोल रहे हैं मतलब प्लस करना है सेकेंड क्या है द फॉलोइंग टाइम सब्जेक्ट मतलब माइनस करना है एक सिंपल वे में है मैं आप लोग को सॉल्व करके बताऊँगी <coughs> इसमें लिखा फाइव आवर्स फोर्टी मिनट्स एंड सिक्स आवर्स टेन मिनट्स तो कुछ नहीं करना है फ़ाइव सॉरी सबसे पहले आवर्स लिख देना और यहाँ पे मिनट लिख देना मिनट्स आवर्स कितने हैं फाइव इसमें आवर्स कितना है सिक्स इसमें कितने मिनट्स है फोर्टी मिनट्स और इसमें कितने मिनट्स है टेन मिनट्स ठीक है आपको प्लस करने बोले सबको प्लस कर देना फोर्टी ज़ीरो का ज़ीरो फोर वन क्या हो गया फाइव फाइव और सिक्स कितना हो गया एलेवन ठीक है तो आपका आंसर क्या आएगा इलेवन आवर्स फिफ्टी मिनट्स ठीक है हो गया बहुत इजी है सेकंड भी सॉल्व करके बता देती हूँ सबसे पहले आप आवर्स लिखेंगे इधर मिनट्स लिखेंगे ठीक है आवर्स कितना है टेन आवर्स है और इसमें कितना है ट्वेल्व आवर्स है इसमें कितना है फिफ्टीन मिनट्स है और इसमें कितना है फिफ्टी फाइव मिनट्स तो सबसे पहले दोनों को प्लस कर देते हैं फाइव फाइव टेन फाइव वन सिक्स और जो वन कैरी फाइव सिक्स सेवन और ये टू एंड टू ठीक है ये आ गया हमारा आंसर अब इसको हम कैसे मेंशन करेंगे आंसर ट्वेंटी टू आवर्स और सेवेंटी मिनट्स ठीक है हो गया बहुत इजी है अब सेवरेक द फॉलोइंग टाइम है ठीक है सेवरेक मतलब माइनस करना है सेम वैसे ही करेंगे इसमें हम सबसे पहले आवर्स लिखेंगे इधर मिनट्स लिखेंगे ठीक है फर्स्ट वाले में कितने आवर्स दिए हैं थ्री आवर्स ट्वेंटी मिनट्स सेकेंड वाले में कितना दिया सिक्स आवर्स फोर्टी फाइव मिनट्स तो ये मिस्टेक हो गया जो बड़ा नंबर है जो बिगेस्ट नंबर हो तो उसको पहले लिखते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे सिक्सटी एंड फोर्टी फाइव और इसमें क्या लिखेंगे थ्री एंड ट्वेंटी अब इसको माइनस कर देंगे फाइव में ज़ीरो गया फाइव फोर में से टू गया टू सिक्स में से थ्री गया तो कितना होगा थ्री ही होगा हाँ अब इसको हम कैसे लिखेंगे हमारा आंसर थ्री आवर्स ट्वेंटी फाइव मिनट्स ठीक है इज़ी है ये जो आपका बी होगा ये आपका होमवर्क होगा करके देखना अगर नहीं आएगा तो मुझे मैसेज करना ठीक है एक्सरसाइज फोर भी बहुत छोटा है मैं आपको बुक में बता दे रही हूँ बट आप लोग उसको कॉपी में नोट करना सबसे पहले कैलेंडर में आ, टोटल वन इयर्स में ये याद रखना ज़रूरी है ट्वेल्व मंथ वन इयर्स में कितने मंथ होते हैं ट्वेल्व मंथ होते हैं कौन कौन से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिसंबर ठीक है ये वन आवर्स का एक आवर्स में कितने मंथ होते हैं ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ठीक है वन मंथ में कितने वीक होते हैं बोल रहे हैं फोर और फाइव वीक होते हैं और वन वीक वीक मतलब क्या होता है सप्ताह तो किसी मंथ में फोर वीक होते हैं और किसी मंथ में फ़ाइव वीक्स होते हैं और वन वीक में कितने डेज होते हैं तो सेवन डेज होते हैं संडे मंडे ट्यूसडे वेटनजडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसे सेवन होते हैं ना वही सेवन डे का उसी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज फोर आपका बनेगा दिखा है विच मंथ हैव थर्टी डेज मतलब थर्टी डेज़ वाले मंथ कौन कौन से होते हैं जब हम छोटे बच्चे थे ना तो हम लोग कैसे काउंट करते थे बताओ ऐसे बंच बनाते थे और उसमें से जो आपका गैप रहता था ना आ, न, एक सेकेंड तो हम क्या करते थे कि ऐसे फिंगर के थ्रू पहचानते थे जो ये हमारा उठा भागता ना तो हम उसको क्या मानते थे जनवरी और ये जो है बीच वाला जो थोड़ा आपका गड्ढे जैसा है वो फरवरी फिर मार्च अप्रैल मई जून ठीक है तो जनवरी कितना होगा जो आपका उठा हुआ है वो थर्टी वन डेज और जो आपका गैप में है वो आपका थर्टी डेज तो जनवरी कितने मंथ का मतलब कितने डेज होते हैं उसमें थर्टी वन डेज फरवरी का छट, छोड़ दीजिए कभी ट्वेंटी एट होता है कभी ट्वेंटी नाइन होता है मार्च का भी थर्टी वन होता है अप्रैल का थर्टी होता है क्योंकि वो गैप में आ गया है ठीक है इसके अकॉर्डिंग करेंगे ना तो आप आराम से बना लेंगे तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि वो कौन कौन सा मंथ है <coughs> जिसमें थर्टी डेज आते तो कौन कौन सा अप्रैल जून सेप्टेम्बर और नवंबर कैलेंडर के अकॉर्डिंग देख लेना विच मंथ हैव थर्टी वन डेज किस में किस में थर्टी वन डेज आता है पूछ रहा है तो जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर विच इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर एक ऐसा मंथ बताओ जिसमें सबसे कम डेज होते हैं तो वो हमारा होता है फेबररी फेबररी में कभी अट्ठाईस दिन होते हैं तो कभी उनतीस दिन होते हैं यहीं पर आपका एक्सरसाइज़ फ़ोर भी कंप्लीट होता है अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज़ फ़ाइव देखेंगे ओके थैंक यू